तो भाई अभी फ्लाइट है तकरीबन, आपको बताया था 7:15 पे या 8 पे है तकरीबन। टिकट जाके दोबारा देखता हूँ जब बोर्डिंग पास मिलेगा। तो अभी राइड ही है यहाँ से, और ये मेरा आखिरी दिन था बाली में। इन्जॉय किया है लेकिन वीडियोस नहीं बना सका। और मज़ीद ये मेरी फ़्लाइट होगी 2 घंटे की तकरीबन, उसके बाद मैं पहुँचूँगा जकार्ता, और जकार्ता से फिर कल सुबह मेरी फ़्लाइट होगी। रात को मुझे वहीं पे स्टे करना है। मौसम यहाँ का बहुत प्यारा है, हर टाइम आपको पता है बादल छाए रहते हैं। और ये देखें ऊपर, बड़ा प्यारा मौसम है। अभी तक जो है हम रास्ते में हैं, और तकरीबन 1 घंटा गुजर गया है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो अगर आपकी फ़्लाइट है बाली से तो कोशिश करें कम से कम 3.5 घंटे पहले निकलें, चाहे आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट है। अभी मैं अपने हिसाब से 3 घंटे लगा के निकला था और 1 घंटा मुझे आधे रास्ते में हो चुका है। तो पहुँच के फिर आपको मज़ीद बताता हूँ कि कितना टाइम लगता है। अभी 40 मिनट और गुजर चुके हैं और 1 घंटा 20 मिनट रहता है मेरी फ़्लाइट से। तो अभी भी हम गाड़ी में हो और 5 किलोमीटर सफ़र रह गया। बस अल्लाह से दुआ है कि अभी जो है कहीं पे ट्रैफिक जैम ना हो। अभी भाई एयरपोर्ट का एरिया स्टार्ट हो गया है, तो भाई यहाँ पे कोई बंदा नहीं बैठा, बस ये कार्ड है इनका बना हुआ, उसी को स्कैन करते हैं और उसमें से बैलेंस कट जाता है। जदीद सिस्टम है। इस सामने बड़ा प्यारा स्टैचू बना हुआ है। तो भाई अभी अपना सामान रखते हैं इस पे। तो ये हमारा लगेज आ गया, अभी चलते हैं। ये है नोगा राई एयरपोर्ट, और ये बुलाते हैं नूरा राई। अब वैसे नोगा राई है, ठीक है। तो जो हमारी फ़्लाइट है अभी देखते हैं बोर्ड पे। ये हमारी सेकंड फ़्लाइट है जो कि अभी नज़र आ रही है जकार्ता, ये कॉर्नर में। तो 747 सुपर एयर जेट जकार्ता के लिए। तो गेट क्लोज होने लगा है, पहले जाना होगा हमें लगेज। अभी बस यहाँ से बोर्डिंग कार्ड मिलेगा और फिर चलते हैं हम। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है डोमेस्टिक के लिए भी। भाई अभी बोर्डिंग पास मैंने ले लिया है, ये देखें ये फ़्लाइट है, फिर कुछ घंटे ट्रांजिट है, फिर दूसरी फ़्लाइट होगी। तो भाई बड़ा टाइम लगा रहे थे बोर्डिंग करने में, और मैं बड़ा डर रहा था क्योंकि 4 काउंटर थे और 2 पहले ही क्लोज हो चुके थे। अभी कहाँ जाना है, इस साइड पे मेरा ख्याल है, तो चलते हैं देखते हैं फिर। भाई फ़्लाइट चाहे डोमेस्टिक भी हो ना, ये लोग नंगा करने से पीछे नहीं हटते, बेल्ट भी उतार दो, वैलेट सब कुछ। बहरहाल अभी बस पहुँच गए हैं, वेट ही करना है अभी हमको अपनी फ़्लाइट का। और गेट नंबर हमारा 4 है, तो उसी पे चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और देखते हैं मज़ीद। ये एक छोटी सी मार्केट बनी हुई है यहाँ पे, कुछ ख़रीदना हो तो भाई साहब आ रहे हैं, देखें किस तरह लोड होके। ऑल डिपॉजिटर गेट्स। तो भाई ये तो ऊपर हैं, तो हमें तो अभी लिफ्ट लेना पड़ेगा आई थिंक। अभी लिफ्ट ढूंढना है किधर से मिलेगा, या स्टेयर्स। हाँ जी, अभी फिर चप्पल में ही, और ये आ गया जी गेट 4 से 6 इस साइड पे। राइट साइड पे जाना है अपन को अभी। अभी मुझको
इसको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे बैठ के वेट करना है अपनी फ़्लाइट का, और उसके बाद जो फ़्लाइट टाइम लगाएगी तो 1 घंटा 50 मिनट से 2 घंटे 20 मिनट के दरमियान, और मैं जा के पहुँचूँगा जकार्ता। तो उसके बाद मज़ीद वहाँ से आगे शेयर करता हूँ जब तक फ़्लाइट होती है। वैसे आपको बताऊँ, जब मैं पहुँचाऊँ तो बोर्डिंग पे 2-3 काउंटर थे, 2 चल रहे थे, 2 तकरीबन क्लोज़ हो चुके थे, मतलब 1 घंटा पहले ही बोर्डिंग भी बंद कर देते हैं। अभी भाई बड़ी लाइन लग गई थी, मैं साथ ही बैठा था, जल्दी जल्दी बोर्डिंग दिखा के तो आ गया, लाइन रेडी है, बैठे हैं, और फिर 1 घंटा 50 मिनट लगेंगे फ़्लाइट को, ज़्यादा भी लगे तो। अभी हमारी है 18 डी, ये 9 वालेकुम सलाम, ये है 17, ये है 18। ओ दोबारा विंडो सीट नहीं मिली आज भी भाई। ये मेरी ज़िंदगी की 7वीं फ्लाइट है आज, लेकिन पहली दफ़ा वीडियो बना रहा हूँ अंदर आके। अभी सवारियाँ बैठ रही हैं। ओके मैं पहुंच चुका हूं जकार्ता सुकार्नो हत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो ये टर्मिनल 3 है, ये भाई मेरे साथ हैं, दोनों गाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा यार वो इंटरनेशनल वाला कहाँ पे है, कहते हैं आपकी फ़्लाइट दोबारा यहाँ से है तो आप उधर क्यों जाते हैं। मैंने कहा मुझे अभी नमाज़ पढ़नी है, मैंने मस्जिद जाना है मुसल्ला, तो कहते हैं आप मुझे फॉलो करें तो हम आपको पहुँचा देते हैं। अभी इन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर रखे हुए हैं जिन पर ये जा रहे हैं, आप देखें मैं साथ पैदल पैदल हूँ, लेकिन अभी पहुँचने वाला हूँ। बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी पहुँच के तो मैं रेस्ट करूँगा थोड़ा, और उसके बाद कुछ खाता हूँ साथ में, खा के बल्कि रेस्ट करूँगा, और उसके बाद इंशाल्लाह कल फिर मेरी फ़्लाइट है, तो कल से दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा, अल्लाह। पहुंचा तो एयरपोर्ट पे, ये खाना ऑर्डर किया, नासी गोरिंग चिकन, चिकन को याम कहते हैं, चावल को नासी कहते हैं, और साथ में ये कुछ एग है कुछ, ये इनको कहते हैं, ये नाम अभी भूल गया मुझे भी इसका, क्रॉप अप। तो ये तकरीबन मुझे पड़ा पाकिस्तानी जो है 1400 रुपये में। तो अगर आप एयरपोर्ट के करीब कहीं पे भी खाना खाएंगे तो आपको इतना ही महंगा पड़ना है ये। अब ये 1400 रुपये में एक डिश है, लेकिन अभी मेरे लिए ये मुनासिब है, क्योंकि जो भूख मुझे लगी हुई है उस हिसाब से ये 1400 मैंने नहीं लगते, 2000 भी होता तो मैं इसे खाता।